नमस्कार, एटीवी भारत में आपका स्वागत है और मैं हूं सचिन शर्मा। आज हमारे साथ है राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया। पूनिया जी इस समय काफी एक्टिव है और कई मुद्दों पे लगातार सरकार को घेर रहे हैं, इसलिए हमने इनसे बात करने का निश्चय किया। तो आइए श्री पूनिया जी से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। पूनिया जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। तो आपसे मेरा पहला सवाल है कि पूनिया जी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पद पे अब आपको 2 साल पूरे हो गए हैं तो तीसरा साल चल रहा है और अध्यक्ष पद का कार्यकाल भी 3 साल का होता है भाजपा में, तो क्या 2023 में होने वाले चुनाव बतौर प्रदेश अध्यक्ष आपके नेतृत्व में ही लड़े जाएंगे? ये मुझे नहीं तय करना, पार्टी को तय करना है। पार्टी जो भूमिका देगी उसके लिए मैं तैयार हूं। अच्छा, तो आपकी पार्टी रीट परीक्षा को लेकर, रीट परीक्षा का जो पेपर लीक मामला है उसको लेकर लगातार हमलावर बनी हुई है, आप ही के नेतृत्व में सब चीजें चल रही हैं, तो क्या पार्टी आगामी दिनों में इस मामले को लेकर किसी बड़े आंदोलन की रूपरेखा बना रही? इनका जन घोषणा पत्र था जिसमें इन्होंने कहा कि हम रोजगार देंगे और बेरोजगारी भत्ता देंगे। राजस्थान के लगभग एक मोटे अनुमान के हिसाब से 30 लाख पंजीकृत बेरोजगार हैं, भत्ता मिल रहा है सिर्फ 1.5 लाख को। अभी जो परीक्षा रीट की दी से पहले का पृष्ठभूमि यह है कि 25 से भी ज्यादा ऐसी नौकरियां हैं जिनका हाईकोर्ट में जो लंबित हैं, लिटिगेशन में हैं, बोर्ड की परीक्षा का 10वीं का 12वीं का पर्चा लीक हो गया। लेकिन अब तो सोशल मीडिया आ गया, पुलिस के पास भी इक्विपमेंट आ गए, इंटेलिजेंस बढ़ गई, इतने संसाधन हो गए तो कोई चीज छुपती नहीं है। मैंने भले ही मजाक में कही थी लेकिन राहुल गांधी जी जो इस पार्टी के मुखिया हैं, देश के बड़े नेता हैं, उनके यहाँ कांग्रेस पार्टी में रोज आविष्कार होते थे। एक नया आविष्कार ये हुआ कि हवाई चप्पल में हजारों की तादाद में ब्लूटूथ, ये राजस्थान में ही संभव हुआ, दुनिया में कहीं नहीं था, इसका अंदाज लगा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जितने पाप किए उसमें सबसे बड़ा पाप है रीट की परीक्षा में जो पर्चे लीक हुए, जो बड़ा घोटाला हुआ और सरकार पूरे तरीके से गिर गई। और इसमें कोई दो राय नहीं कि केवल किस मुद्दे पर भी सरकार जा सकती है। रही बात आंदोलन की, एक शुरुआत हुई है, हालांकि इससे प्रभावित बच्चे हैं लगभग 20 लाख से भी ऊपर, अलग अलग सीक्वेंस में परीक्षा हुई, जेईई का पर्चा लीक हुआ, सब इंस्पेक्टर का हुआ, उसके बाद रीट का हुआ। सरकार इसलिए गिर रही है कि कंट्राडिक्टरी बयान है। पहले तो बयान दिया कि हमने गिनीज बुक में नाम आना चाहिए कि हमने इतनी बड़ी परीक्षा को सफलता से किया, लेकिन वो सफलता कैसी कि जिसमें उन्हीं के कांस्टेबल सरकार के, उन्हीं के नुमाइंदे, उन्हीं के साथ कनेक्शन, और एक के बाद एक चीजें प्रूव होती जा रही है। कंट्राडिक्टरी बयान है कि एक तरफ तो कहते हैं कि पेपर लीक नहीं है, दूसरी तरफ सस्पेंड भी कर रहे हैं, एक्शन भी कर रहे हैं। तो यानी जो जिस तरीके से सरकार घिरी है, तो अब उसकी पूरी योजना हम लोगों ने बनाई है। कल युवा मोर्चे ने उपखंड पे ज्ञापन दिया, लगभग 2.5 लाख विद्यार्थी थे, 2.5 लाख नौजवान थे जिन्होंने सब डिविजन हेडक्वार्टर्स पर इस बात को लेके और मेमोरेंडम दिया, एग्रेसिव प्रदर्शन किया। 11 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा इस पे एक बड़े आंदोलन की तैयारी शुरू कर रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि ऐसे आपसे ये राजनीति की आपने बात की कि आपके पास एक बहुत बड़े बड़े मुद्दे आ गए, इसमें सबसे बड़ा रीत का मुद्दा है इस परीक्षा का, ये मुझे समझ में आया है आपकी बात से। लेकिन ये मामला काफी समय से चल रहा है, इस बीच में राजस्थान में 2 सीटें हैं, वल्लभ नगर और धारियाबाद पर उपचुनाव अभी होने वाले हैं और विधानसभा का ये चुनाव जो है ये होने वाले हैं, इसको सेमीफाइनल भी माना जा रहा है। पिछली बार भी अभी उपचुनाव हुए थे 3 सीटों पर, लेकिन उसमें भाजपा का प्रदर्शन कमजोर रहा। आगे आने वाले विधानसभा में आप क्या, अगर ऐसा कुछ हुआ तो क्या उसका नुकसान आप देखते हैं, पार्टी को नुकसान होगा? क्योंकि पहला वाला जो रिकॉर्ड था 3 सीटों में से एक भाजपा को और 2 कांग्रेस को गई थी, उस समय भी था कि भाजपा की बहुत ज्यादा अच्छी तैयारी थी, लेकिन बस एक किरण माहेश्वरी की जो सीट खाली हुई थी, उनकी बेटी जो जीती थी। अपना अपना आकलन है, अभी तक जितने चुनाव होते आए हैं, खासतौर पर निकायों के, पंचायती राज और उपचुनाव, ये सरकारों के पक्ष में जाते हैं। एक पिछले तीनों चुनाव का ट्रेंड ये था कि वो संप्रति के कारण गया, पहला कारक तो ये था। दूसरा ये था कि सरकार तो तीनों ही जीतना चाहती थी और उसमें बड़ा फोकस था राजसमंद का। राजसमंद की जीत साधारण जीत नहीं थी, विपरीत परिस्थितियों की जीत थी। उस जीत को हम शेर के जबड़े में से निकाल के लाए। ये मैं नहीं कह रहा, कांग्रेस के अच्छे दिग्गज और पंडित लोग भी कहेंगे, वहां के जितने ऑब्जर्वर हैं वो कहेंगे। इसलिए मैं कहीं पार्टी के प्रदर्शन को कम नहीं आंकता। ये हो सकता है
कि जो दो सीटें थी उसमें हार का मार्जिन ज्यादा था वो कम होता तो शायद लोग उसको सकारात्मक चर्चा करते और उसके राजनीतिक कारण थे उसका थोड़ा माइक्रो एनालिसिस करेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि किस तरीके से वहां पर जो चीजें हुई थी उन्होंने प्रभावित किया। ये जो दो सीटें हैं और अभी तक जो तीन सीटें थी दो कांग्रेस के पास थी एक बीजेपी के पास थी और हम उसको मेंटेन करने में सफल रहे। दूसरी बात ये जो दो सीटें हैं इस पर हम लोग कमिटेड हैं, बहुत पहले तैयारी शुरू कर दी थी सरकार, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि पहली बार ऐसा दृश्य देखा है सरकारी मशीनरी का भेजा इस्तेमाल और जिस तरीके का षड्यंत्र सब करते हैं लेकिन ये ज्यादा कर रहे हैं, इनके खिलाफ प्रमाण बहुत हैं। आपको यदि इसका कभी अवसर मिलेगा उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन राजसमंद में जो हुआ था वो एक एक चीज हमारे पास है, किस तरीके से लोगों को डराया गया धमकाया गया, माइंस ओनर्स को उनके ऊपर छापे डाले गए, परेशान किया गया, हैरान किया गया, आज भी बराबर वो चीजें बदस्तूर जारी है क्योंकि वो हार पच नहीं रही। तो इसलिए अभी दो चुनाव हम लोग पूरे तरीके से कमिटेड है, मुझे पूरा भरोसा है इस तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं ने तैयारी की है इस बार हम दोनों सीटें जीतेंगे। अब जीतेंगे सेमीफाइनल आप जीतेंगे आपका कहना है। अच्छा अभी आप पहले आपने मेरे प्रश्न का जवाब दिया कि मैं अगली बार 2023 में उस समय तक पार्टी का अध्यक्ष रहूंगा कि नहीं, ये संगठन को तय करना है, भाजपा की परंपरा भी है। लेकिन भाजपा राजस्थान में विपक्ष में है, लेकिन अगले विधानसभा चुनावों से पहले ही भाजपा के कई नेताओं ने अब अगले सीएम के चेहरों को लेकर लड़ाई शुरू कर दी। समर्थक अपने अपने नेता का चेहरा भी सामने कर देते हैं, कहते हैं ये मुख्यमंत्री बनना चाहिए वो बनना चाहिए, उन चेहरों में आपका चेहरा भी शामिल बताया जाता है आपके समर्थकों द्वारा, तो ये तो भाजपा की परंपरा के विरुद्ध है, तो किसकी खींचतान कितनी सही मानते हैं आप? मुख्यमंत्री का बीजेपी का झगड़ा केवल सोशल मीडिया पे है और वो किसी न किसी के समर्थक किसी न किसी के रूप में चलाते हैं, लेकिन वो प्रमाणिक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा किसका चेहरा होगा कब होगा, इसलिए इसमें किसी को आशंकित होने की आवश्यकता नहीं है। हम लोगों की कोशिश ये है कि 2023 में सब लोग मिलकर लड़ें, कांग्रेस के खिलाफ लड़ें और बहुमत के साथ हम लोग जीतें, और जीतने के बाद केंद्रीय संसदीय बोर्ड को तय करना होगा कि किसको नेता बनाएंगे, जिसको बनाएंगे उसको सब स्वीकार करेंगे। तो पिछले दिनों पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के समर्थक नेताओं ने, खासतौर से हड़ौती संभाग से आने वाले नेताओं ने, प्रदेश संगठन और उसके नेतृत्व के कामकाज का सवाल उठाया। निकाय चुनाव के परिणामों के दौरान भी यह सब खूब हुआ था, जैसा आपने बताया सोशल मीडिया पर, उन सबकी रिकॉर्डिंग्स हमारे पास है, हमने चलाई दी है, उसकी क्या वजह है? ये इस तरीके की परंपरा कैसे डेवलप हो गई, क्यों इस तरीके से असंतोष सामने आ रहा? नहीं, उसमें तो जो पहले सोशल मीडिया और मीडिया भी राजनीतिक मुद्दों पर इस तरीके से मुखर नहीं होता था, अब सोशल मीडिया पे एक व्हाट्सएप का कोई भी मैसेज या किसी भी छोटे नेता का बयान बहुत बड़े तरीके से सर्कुलेट होता है, लेकिन उससे पार्टी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी वैचारिक पार्टी है, इसका एक बड़ा आधार है, इसलिए छोटी मोटी चीजें पार्टी के कामकाज को रीति नीति को प्रभावित नहीं कर सकती, इसलिए हम उसको सहजता से लेते हैं, हमने कोई उस पर कोई रूलिंग नहीं दी। आपकी भाजपा सरकार में पूर्व मंत्री रहे रोहिता शर्मा भी आरोप लगाते हैं कि कोरोना कालखंड में भाजपा ने विपक्ष के रूप में अच्छे से काम नहीं किया, तो वो तो आपके बिल्कुल रिकॉर्ड पर है, सबके सामने बोला उन्होंने, उन आरोपों पर आपका क्या कहना? ये इस तरीके का बयान तो कोई सूरदास दे सकता है? कोरोना की दोनों लहर में यदि राजस्थान में सर्वाधिक किसी ने सेवा की होगी, और मैं केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद दूंगा कि पार्टी के काम नारों की नहीं सरोकारों की पार्टी बनने का अवसर दिया, हमें तकलीफ क्योंकि हमारे कार्यकर्ता कालकल्पित हो गए कोरोना की सेवा करते करते, राजस्थान के करोड़ों लोगों तक भोजन और राशन पहुंचाने की है। मैं खुद दोनों बार सड़कों पर था, पहली लहर के बाद जब मूवमेंट हुआ कानून व्यवस्था का, मैं गिरफ्तार हुआ, उसके बाद नतीजा ये हुआ कि मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा और 10 दिन तक मैं वेदांता से संघर्ष करता रहा। तो जब सड़क पर उतरते हैं तो ये अंजाम होता है, तो मुझे लगता है कि पार्टी ने पूरी शिद्दत के साथ में पूरी ईमानदारी से कोरोना के पूरे कालखंड में सेवा का काम किया था। हम सियासत नहीं करते, वो जमीनी था, वो जिसको देखना था उसने देखा है, लेकिन किसी छुट भैये लोगों के आरोपों से पार्टी कमजोर नहीं होती कभी। अच्छा ये बताइए पुनिया जी कि जो गहलोत सरकार है
उसको लेकर भी अब मैं बीच में बातचीत में लेकर आना चाहता हूँ गहलोत की। राजस्थान में गहलोत सरकार मंत्रिमंडल के विस्तार की खबरें हम लंबे समय से सुन रहे हैं और पुनर्गठन होगा नहीं हो पा रहा है। भाजपा नेता अमूमन इस पर चुटकी लेते रहते हैं, तमाम बड़े नेता भी चुटकी लेते रहते हैं। वो कहते हैं, आपके एक बड़े नेता ने कहा कि जिस दिन मंत्रिमंडल का पुनर्गठन होगा गहलोत सरकार में विस्फोट होगा। तो कैसा विस्फोट करने वाले हैं आप लोग? देखिए, जो अंतर्कलह है कांग्रेस पार्टी का 2018 में मुख्यमंत्री के चयन के बाद से जो चीजें शुरू हुई, दो व्यक्तियों की महत्वाकांक्षाएं थी, राजभवन में मुख्यमंत्री कैसा हो के नारे लगे, और उसके बाद मंत्रिमंडल का गठन, उसके बाद सचिवालय के कमरों का झगड़ा, और निरंतर उसके बाद बाड़ाबंदी, और लगातार सवा दो साल तक जो दृश्य राजस्थान की जनता ने देखा, आजादी के बाद कोई ऐसी सरकार नहीं रही जो 42 दिन तक बाड़े में बंद रही। तो मुझे लगता है कि इस पे हाथ कंगन को आरसी क्या जो था वो साफ दिख रहा है, जो अंतर्कलह अंतर विरोध है वो साफ दिखता है। और इसलिए जब कोई भी राजनीतिक तौर पर ये कहता है कि क्योंकि अभी तक जो सुई टिकी हुई है वो केवल मंत्रिमंडल के गठन तक रुकी है, ये फॉर्मूले तय कर दिए थे बहुत पहले जनवरी में कि इस बार ऐसा होगा तो इस फॉर्मूले से मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा, विस्तार हो जाएगा, सब लोगों को भौगोलिक सामाजिक रूप से प्रतिनिधित्व मिल जाएगा, तो इतना ही मामला खरा होता तो शायद ये मंत्रिमंडल का गठन हो चुका होता। गतिरोध क्यों है? क्योंकि जिस भी दिन मंत्रिमंडल का गठन होगा जिनकी महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं होंगी वो सरकार को कमजोर करने के लिए पर्याप्त है। यही आधार है इस कथन का कि मंत्रिमंडल का गठन होगा सरकार में, सभी की नजर उस पर है। तो इसमें मेन धुरी इस पूरे सब्जेक्ट की कहीं ना कहीं सचिन पायलट है। तो पिछले दिनों सचिन पायलट के भाजपा में शामिल होने की खूब चर्चाएं चली, देश भर की मीडिया ने दिखाया, आप हम सब जानते हैं। हालांकि अभी तक उन चर्चाओं का कोई नतीजा नहीं निकला। तो क्या पायलट की जरूरत को क्या पायलट की जरूरत भाजपा को सिर्फ सरकार गिराने के लिए है, या एक बड़े गुर्जर नेता की कमी भाजपा को खल रही है? क्यों ये चर्चाएं चलती हैं कि सचिन पायलट को भाजपा अपने पाले में ले ले? भारतीय जनता पार्टी खुद सक्षम है, और केवल ये पहला अवसर नहीं है जब सरकार नहीं बनाई या सरकार बन गई। हम लोग 90 के बाद में मासेज की पार्टी हो गए और अपने दम पर सरकारें बनाते रहे, इसलिए हमें अपने संगठन पर भरोसा है, कार्यकर्ताओं के परिश्रम पर भरोसा है, राजस्थान की जनता पर भी भरोसा है। इसलिए पार्टी में कौन आएगा कौन जाएगा ये तो काल्पनिक प्रश्न है, कल क्या होगा ये ज्योतिष भी नहीं कह सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने आप में राजस्थान में एक स्थापित राजनीतिक संगठन है जिसकी अपनी खूबी अपनी ताकत है, और हम लोग सत्ता में आएंगे तो अपनी खूबियों के बूते पर आएंगे। मतलब आपका साफ कहना है कि सचिन पायलट की जरूरत भाजपा को नहीं है, लेकिन भविष्य में क्या होगा तो ये देखने वाली बात है, कुछ भी हो सकता है। तो प्रदेश भाजपा की अब बात करते हैं, आप उसके अध्यक्ष हैं। प्रदेश भाजपा की कई अलग अलग खेमों में बटी दिखाई देती है। कई बार पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के समर्थकों का आरोप है कि उन्हें पार्टी में अलग थलग रखा जा रहा है, कोई उनको पूछ नहीं रहा है। तो सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर नहीं चल पा रही है, क्या इससे नुकसान नहीं होगा? ये आपका सवाल है लेकिन ये सच्चाई नहीं है। राजस्थान में पिछले सवा दो साल का तो मैं गवाह हूँ, यहाँ हर नेता का सम्मान है, और जिस नेता के पास जितना समय है जैसी परिस्थिति है सब लोग योग्य समय के हिसाब से पार्टी के साथ काम कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों चिंतन बैठक हुई, 40 से 40 नेता व आमंत्रित थे, 38 लोग आए, 2 लोग नहीं आए जिनकी अपनी पारिवारिक परिस्थितियां थी। किसी की अनुपस्थिति सियासी कारण नहीं होता, नंबर वन। दूसरा, जिनको जो भूमिका केंद्र देता है पार्टी देती, उसका निर्वहन वो अपने हिसाब से करते हैं, इसलिए में कमी होना ये पार्टी में कोई मतभेद की अंतर्विरोध का कारण नहीं होती है। मतलब हम ये मान लेते हैं कि वसुंधरा गुट कोई नहीं है, कोई अलग से नहीं है, उनके समर्थक कोई उनको अलग थलग नहीं, कोई गुट नहीं है यहाँ, केवल भारतीय जनता पार्टी का गुट है जिसका चुनाव चिन्ह कमल का फूल है, उसके झंडे के तले यहाँ सबको जीना होगा। अच्छा, अब आखिरी में ये और बताते चलिए पुनिया जी, अब अगर अगला विधानसभा चुनाव भाजपा जीत जाती है, इसके लिए आप श्योर हैं, तो क्या सतीश पुनिया राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री होंगे? ये भी काल्पनिक प्रश्न है, और इस प्रश्न का मैं ईमानदारी से जवाब दूंगा, क्योंकि इस प्रश्न के उत्तर में कोई झगड़ा खड़ा नहीं हो जाए। इसलिए मैं बहुत जो शुरुआत में बात करी थी उसी को मैं इस इंटरव्यू के आखिरी प्रश्न पर आता हूँ।
जैसे मैंने कहा कि हमारे लिए पार्टी दल विचार, उसका चुनाव चिन्ह, उसका झंडा, ये सर्वोपरि है। हम लोगों की कोशिश है कि 2023 में पहली बात तो ये कि बहुमत की सरकार बनाएं, दूसरी बात ये कि मैं जो काम कर रहा हूं और वो करता रहूंगा कि मेरा मिशन है कि राजस्थान में बीजेपी अजय बने, अभेद्य बने। गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में जब निरंतरता से जीतते तो राजस्थान भी ऐसा प्रदेश हो सकता है वैचारिक रूप से जो बीजेपी के लिए एक लंबे समय तक सत्ता में रहे। इसलिए पहली कोशिश ये है। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि हम जीतेंगे, मजबूती से जीतेंगे, और ये तय करने का काम केंद्रीय संसदीय बोर्ड का है। हम कोई फैसला नहीं करेंगे कौन मुख्यमंत्री होगा, वो जिसको तय करेंगे, पार्टी का विधायक दल जिसको तय करेगा, उसको हम स्वीकार करेंगे और अच्छा शासन चलाएंगे। तो आपने सभी सवालों के जवाब काफी धैर्य और सादगी से दिए हैं पुनिया जी, और हम अपने दर्शकों से कहना चाहते हैं कि इसी तरह आगे भी देश के अलग अलग राज्यों के महत्वपूर्ण लोगों से आपको मिलवाते रहेंगे। टीटीवी भारत से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद पुनिया जी। धन्यवाद, थैंक यू, अच्छा लगा।